बज गई चुनावी रणभेदी, फिर लगेगी वादों की झड़ी। अब की बात मोदी सरकार के वचन में राज के दिन दोबारा चाहिए, फिर मचेगा कुर्सी के लिए घमासान। जनता किसे बिछाएगी पलकों पर, किसके सर सजेगा ताज, किसे मिलेगी शह और किसे मिलेगी मान, देखिए हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमीरपुर हलचल। नगर निकाय चुनाव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट अपील की। रात कस्बे में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कस्बे के निर्दलीय प्रत्याशी सुनील सर्राफ ने जनसंपर्क करते हुए अपने लिए चुनाव चिन्ह पहिए पर मुहर लगाकर विजय बनाने की कस्बावासियों से वोट अपील की। सबसे पहले तो वरिष्ठों का नमन, समकक्षों का साधुवाद और मेरे बच्चों को प्रेम और स्नेह। एक हफ्ते से ये बात सही है कि मैं चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूँ और उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। और निश्चित तौर पे मैं ये जानता हूँ कि आशीर्वाद के रूप में मुझे चुनाव चिन्ह पहिया पर मोहर लगाकर वो निश्चित मुझे विजयी बनाएंगे। अगर आपको जनता चुनती है तो क्या प्राथमिकता रही है? सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ की नालियों की है। नालियों में इतना कचरा जमा हुआ है जिससे लगातार उफान की समस्या बनी हुई है, गंदगी फैल रही है। दूसरी समस्या पेयजल की है। तीसरी समस्या आपकी बिजली की है और सड़क की है। इन सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए आप चुनाव चिन्ह पहिया पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं जिससे अधिकार प्राप्त हो और ये कार्य सिद्ध कर सके। अपने आप को किस स्तर पर देख रहे हैं आप, बाकी अगर कंपेयर किया है बाकी प्रत्याशियों से? अपने आप को इस स्तर पर हम कैसे देख सकते हैं, ये कार्य केवल जनता का है। जनता जिसको चुनाव जिताएगी उसको यही विजय का ताज मिलेगा।